सो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जानते हैं कारण है कि कोई प्रोटो ऑन्कोजीन जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है, कोई अच्छा आदमी किसी भी वजह से, चाहे वो किसी भी वजह से हो, अगर वो एक बुरा इंसान में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है, सारा जो बुरा काम है वो करता है। तो जीन के अंदर भी ये जो हमारा नॉर्मल क्या बोलते हैं इसको, जो फंक्शन है, ये भी वैसा ही होता है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे बॉडी में है एंड किसी भी वजह से अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है, मतलब एक्टिवेशन होता है प्रोटो ऑन्कोजीन का, तो वो जो प्रोटीन का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, इनकोडेड प्रोटीन का। सेल को जितना चाहिए उससे ज़्यादा उसको मिल जाता है। और दूसरी तरफ हमारा है क्या बोलते हैं उसको, कि प्रोटीन के अंदर कोई, आप भी हम देखेंगे कि कैसे फ्यूजन प्रोटीन आता है, मतलब फ्यूज़ हो जाता है कोई जीन आके, फिर वो भी जो नॉर्मल कंट्रोल है वो प्रोटीन वो खो बैठता है। चलिए देखते हैं, बेसिकली हम छोटे छोटे स्टेप में ये जो कैंसर है इसको हम देख रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन या फिर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन टू ऑन्कोजीन। तो पहले ये है हमारा जीन जिससे हमारा mRNA बनता है, फिर mRNA ट्रांसक्रिप्ट से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन जो हमारा बॉडी का डिफरेंट जो फंक्शंस है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें एक रेगुलेटरी रीजन होता है, ठीक है, ये रेगुलेटरी रीजन है और ये है हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन। नॉर्मल केस में क्या, प्रोटीन एनकोडेड बाय प्रोटो ऑन्कोजीन, ये नॉर्मल फंक्शंस जो नॉर्मल है वो नॉर्मल फंक्शंस प्ले करता है जो नॉर्मल सेल में है। पर ये प्रोटो ऑन्कोजीन को, अगर ये प्रोटो ऑन्कोजीन है मतलब यहाँ पर जो इनकोडेड जीन है, अगर इसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हो गए, म्यूटेशंस और डिलीशंस, चाहे कोई बेस का डिलीशन हो गया, बेस का एडिशन हो गया, कुछ भी अगर हो जाता है, तो उस पेश में क्या होगा, ये जो प्रोटीन हमारा बना, ये नॉर्मल प्रोटीन, यहाँ पर कुछ म्यूटेशन आपको दिख रहा है, कुछ म्यूटेटेड पार्ट बन जाता है। इनकोडेड प्रोटीन विद ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये जो एनकोडेड प्रोटीन बना, इसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर्स है वो ऑल्टर हो गया और फंक्शंस भी ऑल्टर हो सकता है। तो ये नॉर्मल जो सेल का फंक्शंस है वो नहीं करेगा, ये डिफरेंट, इसका जो काम ही है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अभी जीन है, अगर डुप्लीकेशन हो गया, ये प्रोटो ऑन्को जो जीन्स है, प्रोटो ऑन्को पार्ट है, अगर इसका डुप्लीकेशन होता है एक के बाद एक, तो क्या होगा, प्रोटीन का जो अमाउंट हमारा बॉडी में बन रहा है वो ज्यादा हो जाएगा। एनकोडेड जो प्रोटीन है उसका अमाउंट सेल को उतना चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, क्या होगा, सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिफ्यूजन करेगा, उसको ज्यादा खाना मिल गया। किसी अगर आदमी है उसको एक समोसा आप दो, ठीक है, अभी क्या होगा, आपको उसको 10 समोसा देगा, ठीक है, वो खा तो लेगा क्योंकि बुक्कड़ है, वो खा लेगा, पर खाने के बाद क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा सेल के अंदर ही। सेल तो ले लेगा पर सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो बिगड़ जाएगा, सेल नॉर्मल फंक्शन सेल का बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट आएगा, ये एक दो टाइप से हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डीएनए रेगुलेटरी सीक्वेंस ट्रांसलोकेट फ्रॉम डिस्टेंस साइट ऑल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम जीन। ये जो हमारा पार्ट है, ये डीएनए रेगुलेटरी सीक्वेंस ट्रांसलोकेट, ये डिस्टेंस साइट से किसी और साइट से ये जो रेगुलेटरी जीन है ये आके यहाँ पर बैठ गया, पहले वाला रिप्लेस हो गया। तो ये क्या करेगा, अगर ये रेगुलेटरी जीन की वजह से यहाँ से जो प्रोटीन बनता है उसका अमाउंट अगर भी बढ़ सकता है, उसका अमाउंट भी बढ़ सकता है, अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो प्रोटीन सिमिलरली प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट ये है हमारा जो प्रोटीन कोडिंग जीन ट्रांसलोकेट फ्रॉम डिस्टेंस है फ्यूज विद द पोर्शंस ऑफ जीन कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन जीन। यहाँ पे एक फ्यूजन जीन, ये एक कोडिंग जीन है, किसी दूसरी जगह से आया ये जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन के साथ अगर फ्यूजन हो गया इसका तो क्या करेगा, इससे जब जो हमारा प्रोटीन बनेगा, जो mRNA बनेगा, फिर उससे जो हमारा प्रोटीन बनेगा, इस प्रोटीन के अंदर ये जो बाहर से आया जो हमारा जीन, इसका भी पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट रहा तो इसका जो नॉर्मल फंक्शन है क्या वो हो पाएगा, ये नॉर्मल प्रोटीन था, ये आके ऐसे हो गया, तो क्या ये नॉर्मल काम करेगा, अभी नहीं करेगा, तो फ्यूजन प्रोटीन
नॉर्मल जो उसका कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है। तो ये है प्रोटो ऑन्कोजिन ऑन्कोजिन जैसे कन्वर्शन। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताना। अगर ठीक है।